नमस्कार, आप देख चुके हैं लाजवान न्यूज के साथ। इस वक्त आप लोगों को पता है मैं मस्जिद के बिल्कुल बाहर हूँ, और जैसे कि हमने कल बताया आपको कि जो गवर्नमेंट द्वारा बॉर्डर से निकाले गए हैं वहाँ पे हमारा संबंध है, और आज शुक्रवार है और जुम्मे का दिन है। आप यहाँ होता है उनके जामिया की अगर बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, जो उन्होंने आदेश दिया है लोगों ने काफी ज्यादा उसको तो उसके बाद कल हमारी सबसे बात हुई हुई थी, उन्होंने बड़े बताया था कि ये भी हालात ऐसे बने हुए, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से अपने आप को लोगों को देखने लाया, और लोगों को अपनी मीटिंग करने के बाद कुछ लोगों ने भी फैसले लिए। उसमें यही था कि सबसे पहला यही था कि जो भी लोगों से ये अपील की जाए, वो अपने घरों में नमाज पढ़ें, और कोशिश ये करें कि वो घर से अंदर रहें, क्योंकि ये जो वायरस है ये कोई देख के नहीं आ रहा, ये वायरस से पहले रिपोर्ट हुआ था, अब क्योंकि लोकल है तो लोकल टू लोकल भी है, तो जैसा हम लोगों का सबसे लोगों से ये करना कि हम आप करिए, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, क्योंकि शाम का भी आ रही है, छठ का भी आ रही है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो हालात बन गए, तो कंट्रोल करना, क्योंकि इस मस्जिद में हमारी जो गैदरिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से ऊपर आई है हर फ्राइडे की, तो लिहाजा इस वक्त इतनी गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इतने साधन हो गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से हमारा साथ दे रही है तो इसको कंट्रोल करने में मस्जिद में सिर्फ वही लोग नमाज के लिए हैं जो मस्जिद के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे इमाम साहब हैं या उनका स्टाफ है, या जो मस्जिद के अंदर लोग रहते हैं या मस्जिद के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ वही लोग नमाज अंदर पढ़ेंगे, बाकी जर्नी गैदरिंग पब्लिक है उनको अलो नहीं किया जा रहा कि वो नमाज पढ़े। हम उन लोगों से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, अपने आप घर के अंदर रहें, और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, और मैं आपको जो एक बताता हूँ कि इसको धर्म के साथ में जोड़ें, एक ऐसा जो है इस्लाम में कि अगर हमें जब नमाज पढ़नी है तो हमें वजू करना होता है, हमारा जो वजू है वो पूरी बॉडी की एक किसी तक ओवरऑल नहाने के बराबर होता है, जिसमें हमने हाथ भी धोने, पाँव भी हाथ भी धोने हैं, गले में भी पानी डालना है, नाक में भी पानी चढ़ाना है, कान भी साफ करने हैं, गर्दन भी करनी है, कोहनियों का क्या है, पाँव भी धोने हैं, तो वो अगर हम लोग 5 वक्त जो हम मुसलमान कहते हैं, तो हम लोगों से यही है कि अगर हम बावजूद रहने की कोशिश करें तो उससे हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो हम हमारे दिमाग में गलत बातें नहीं होती, क्योंकि दिमाग यह रहता है कि मैं वजू में हूँ यार, मेरे को गलत नहीं सोचना, दूसरा ये रहता है कि जो अपील की जा रही है कि आप सैनिटाइज करें, तो 5 वक्त आप तो कम से कम एक आदमी जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल साफ रख सकता है, तो हमारी ये अपील है कि अपने आप को सैनिटाइज रखें, हाथ साफ करें, लोगों से अपने आप को दूर रखें, और इंडोर रहें, केवल रहें आपके हाथ जो हल्क है उसका पे ध्यान रखें। आम पब्लिक जो है यहाँ पे नहीं है, और जिस तरीके से आपको बताया कि हर शुक्रवार यहाँ पे 4,000 से जो ज्यादा लोग हैं यहाँ पे नमाज अदा करने आते हैं, अभी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे उनका क्या कहना है, तो सर आपका क्या कहना है जिस तरीके से आज शुक्रवार है, जुम्मा है, और लोगों ने यहाँ पे जो नमाज अदा करने के जिस तरीके से आपने प्रशासन के साथ जो कॉर्पोरेट किया है, तो उसके लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त नहीं आए हैं और घर पे जो नमाज अदा कर रहे हैं। देखें, जैसा यहाँ तक शरीयत का मामला है, दीन का, इसमें दीन में हमें बहुत सारी चीज़ों पे छूट दी गई है, जैसे नमाज के लिए हमें बीमारी में जब हो तो नमाज खड़े होकर पढ़ने का हुक्म है, तो फिर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, इसी तरह बीमार है तो घर में ही पढ़ सकते हैं, और मुस्तकिल आधी नमाज जो हम पढ़ते हैं तो वो 2 हिस्सों में तकसीम होती है, एक फ़र्ज एक सुन्नत, सुन्नत के लिए वैसे भी हमें दीन में हुक्म है कि घरों से ही पढ़ के आएँ,
तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो वैसे भी गैदरिंग नहीं होती, और अगर होगी भी तो बहुत कम वक्त के लिए होगी, 5 से 7 मिनट तक होगी। वैसे इंतज़ामिया की तरफ से आज ये जो स्टेप उठाया गया था ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सेहत है तो सारा कुछ है। नमाज जो जो हम पढ़ते हैं या इबादत जो करते हैं उसका भी ताल्लुक सेहत से है। अगर सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर सारा कुछ मुतासिर हो जाएगा। इसलिए इंतज़ामिया का हम इस मामले में खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने अच्छे इंतज़ाम किए हैं। हाँ, लोगों से भी अपील करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ जामिया मस्जिद तलाब खटीका में आपने देखा कि लोगों ने काफ़ी अच्छा तआवुन दिया, साथ दिया इंतज़ामिया के, इस तरह हर जगह जो है वो इंतज़ामिया का साथ दें, क्योंकि बीमारी से बचाना ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, इंसानियत को बचाना है, सारी हर इंसान को बचाना है। उसके लिए जो भी प्रबंध किए जाएं उसका हमें इंतज़ाम भी करना चाहिए और साथ भी देना। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।